चंडीगढ़ थाना आईटी पार्क क्षेत्र में पिछले कई दिनों से आसपास के इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान थे, जिसके चलते डीएसपी गुरमुख सिंह ने थाना प्रभारी शादीलाल की अगुवाई में एक टीम तैयार की, जिसके चलते आईटी पार्क के मुलाजिम हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल समरजीत सिंह ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए आखिरकार इस गुत्थी को सुलझा ही दिया। उन्होंने एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों को अंजाम देते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार तो किया, साथ ही साथ चोरी की 7 मोटरसाइकिलें, 1 स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है, जिसने एक बार फिर से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास कायम कर दिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बौली जागरा के निहाल गौतम, मनीमाजरा के सूरज और मुकेश के रूप में हुई है। इस बात की जानकारी डीएसपी गुरमुख सिंह ने दी। काफी दिन से जो आईटी पार्क के एरिया में कुछ मोटरसाइकिल चोरी हो रहे थे, जो सीनियर अफसरों के हुक्म के मुताबिक मैंने भी उनको डायरेक्शन दी है कि एक स्पेशल टीम बना के इनको आप ट्रेस करो। जो इंस्पेक्टर शादीलाल जी SHO आईटी पार्क है, उसने एक स्पेशल टीम बनाई है जो उन्होंने खुद हेड की थी। तो उस चेकिंग के दौरान उन्होंने नाके लगाए अलग अलग जगह, नाके के दौरान उन्होंने आज 3 लड़के पकड़े हैं, जिनसे उनसे जो जिस मोटरसाइकिल पर वो चल रहे थे उनके बारे में उनसे कागज पत्र पूछे, बट वो अपना कागज पत्र कोई शो नहीं कर पाए। चेकिंग करने में पाया गया कि वो सारे जो मोटरसाइकिल उनके पास चोरी के थे, तो उनको हमने केसों में अरेस्ट किया, 3 केसों में अलग अलग मोटरसाइकिल जो हमारे पास पहले ही FIR दर्ज हो रखी थी। उसके बाद उनकी फर्दर इंटेरोगेशन की गई, जिन्होंने बताया कि उन्होंने और भी एरिया से कुछ पंचकुल्ले से एक कार स्विफ्ट डिजायर है वो चोरी की थी, एक मोटरसाइकिल है पंचकुल्ले एरिया का वो चोरी किया था, और 2 मोटरसाइकिल हमारे आईटी पार्क से और चोरी किए थे, जो कुल हमने 7 मोटरसाइकिल और 1 स्विफ्ट डिजायर कार उनके पोजेशन से रिकवर की है। तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया, जो कल हम कोर्ट में पेश करेंगे। ये स्टूडेंट हैं मेनली, 2 तो DAV स्कूल Sector 8 के स्टूडेंट हैं, एक ओपन यूनिवर्सिटी से 10वीं के पेपर दे रहा है, तीनों स्टूडेंट हैं। ये शराब पीना वगैरह के आते थे, जॉय राइडिंग के लिए ज़्यादा करते थे। कुछ इन्होंने पहले मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स आते जाते कुवाड़ियों को बेचे भी हैं, तो अपनी जो डेली की नीड्स थी उसको पूरा करते थे। नहीं, उनका कोई चेक किया हमने रिकॉर्ड, पहला ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, पहले इनके पास इनके खिलाफ कोई केस नहीं है। यूं तो थाना आईटी पार्क की पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की कई वारदातों को सुलझाने की बात कह रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस क्षेत्र में चोरी की वारदातें कम होगी या नहीं। पंजाब केसरी TV चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।